आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो नाइन्थ क्लास का चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीटी, एसी इज इक्वल टू एडी एंड एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी, आल्सो व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एसीबीडी अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन एक कंडीशन के साथ में, कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो एसी साइड है वो किसके इक्वल है, एडी साइड के इक्वल है और इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है एबी ये क्या करता है, ये इस एंगल ए को बाइसेक करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तब हम लोगों को शो करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, ये जो ट्राइंगल है और साथ में जो दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। साथ में फिर एक चीज़ और पूछी है कि इस साइड बीसी और इस बीडी साइड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों को कंसिडर करने हैं और सबसे पहले हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और हम लोगों को जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, थ्री पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे थ्री पॉइंट्स जो किसी न किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में वो थ्री पॉइंट्स। तो देखिए इस रेड ट्राइंगल में जो एसी साइड है, देखिए अभी मैंने मार्क किया, जो एसी साइड है इस ग्रीन ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, इस एडी साइड के इक्वल है और ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि एसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला। फिर उसके बाद में बोला गया है कि जो डायगोनल है एबी वो क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक करता है और अगर इस एंगल को बाइसेक करता है एंगल ए को तो ये वाला जो पार्ट होगा इस एंगल का, अगर हम लोग इसको वन कहते हैं वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इस पार्ट को, अगर इसको हम लोग टू कहते हैं तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाता है, एंगल टू के इक्वल हो जाता है, दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो जो साइड ए बी है वो रेड ट्राइंगल का भी पार्ट है और वो ग्रीन ट्राइंगल के भी पार्ट है, मतलब दोनों में ये साइड क्या है, कॉमन है, और अगर ये दोनों में कॉमन है तो दोनों की कॉमन साइड होने की वजह से ये इक्वल हुई। और इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हम लोगों को क्राइटेरियन चेक करना होता है ना तो सबसे पहले तो हम लोग एक ही ट्राइंगल को पकड़ें और उस ट्राइंगल में जो पॉइंट्स हैं या तो उनको क्लॉकवाइज चेक करें या फिर उनको एंटी क्लॉकवाइज चेक करें। तो चलिए इस रेड ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर इस रेड ट्राइंगल में हम लोगों ने ये साइड कंसिडर करी है, फिर ये एंगल कंसिडर किया है, फिर उसके बाद में ये साइड कंसिडर करी है, मतलब साइड है फिर एंगल है और फिर उसके बाद एक साइड है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरियन, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं हम लोग, तो कौन से दो ट्राइंगल्स लिए सबसे पहले, तो ये मेंशन करें, सो इन ट्राइंगल विच वन, ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, यहां से लिखेंगे ए बी डी। सो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड किया था हम लोगों ने, कि भाई इस रेड ट्राइंगल की एसी साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, एडी के इक्वल है, पॉइंट मेंशन करते हैं, तो एसी इज इक्वल टू व्हाट, एडी, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट है कि एंगल वन जो कि रेड ट्राइंगल का है और ये एंगल टू जो कि ग्रीन ट्राइंगल का है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ए बी क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक करती है साइड। ठीक है, चलिए इसको भी लिखें, तो अब हम लोग कह सकते हैं एंगल वन ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल टू ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, और ऐसा क्यों, सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या करता है, बाइसेक करता है किसको, एंगल ए को, और बाइसेक करता है तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, ए बी साइड, तो ए बी साइड ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी साइड ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, और इसका रीजन क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में साइड कैसी है, कॉमन है। और अब इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वॉट, ए बी डी, और किस क्राइटेरियन से, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो। अब देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस केस में जो बी सी पार्ट होगा यानी कि इस ट्राइंगल की जो बी सी साइड होगी वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, बी डी साइड के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो इसलिए मेंशन कर सकते हैं देयर फोर बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल दिस, यानी कि रेड ट्राइंगल की बी सी साइड जो है वो किसके इक्वल होगी, इस ग्रीन ट्राइंगल की बी डी साइड के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी थी दोनों। तो
तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।